हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 401 से 415 तक। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 401। इसमें पूछ रहा है द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस इन थिन वॉल्ड सिलेंडर। तो थिन वॉल्ड सिलेंडर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस के बारे में अपन देख चुके हैं फ्रेंड्स पहले लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से। और यहाँ पे ये जो शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो वो शियर स्ट्रेस यहाँ पे वो अपनी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे इसमें और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है हमारी, सिग्मा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा एल इक्वल टू होती है पी डी अपॉन 40। ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हुप स्ट्रेस माइनस में ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन में 2 होती है। तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा हुप स्ट्रेस और सिग्मा टू क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है पी डी अपॉन 2 टी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है पी डी अपॉन 40। तो ये कितना आ जाएगा, शियर स्ट्रेस हमारी कितनी आती है पी डी अपॉन 80। ठीक है, जब इनका रेशियो निकाला जाएगा तो रेशियो क्या आ रहा है, इसमें रेशियो पूछा गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मैक्सिमम स्ट्रेस से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो। तो ये कितना आ जाएगा हमारा पी डी अपॉन 40 इंटू में 80 अपॉन में पी डी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तो फ्रेंड्स ये 2 आएगा, ये यहाँ पे गलत लिख गया है 4, यहाँ पे आंसर आ रहा है 4 से अपन कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना होगा 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बुक में गलत दिया है आंसर, बुक में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंकाइन कॉन्स्टेंट फॉर ए माइल्ड स्टील कॉलम विद बोथ एंड्स हिंज्ड इज। तो रैंकाइन कांस्टेंट क्या होता है वो देख लेते हैं पहले, माइल्ड स्टील के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए कितना होता है वो भी देख लेंगे फ्रेंड्स। तो रैंकाइन फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है क्रिपलिंग लोड बोलते हैं इसको। तो रैंकाइन फार्मूला की वैल्यू रहती है ये सिग्मा सी, सिग्मा सी क्या है यहाँ पर क्रसिंग स्ट्रेस है, सिग्मा सी इंटू में एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है अपॉन में 1 + a इंटू में एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए है, ए क्या कहलाता है हमारा रैंकाइन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा सी अपॉन में पाई स्क्वायर ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू रहती है अलग अलग, सिग्मा सी की वैल्यू अपनी यहाँ पे माइल्ड स्टील के जो लिए जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई की वैल्यू जो है वो है हमारी 1/7500। अगर कास्ट आयरन के लिए पूछा जाता है तो ये कितनी हो जाएगी 1/1600, और रॉट आयरन के लिए 1/9000, और स्ट्रॉन्ग टिम्बर के लिए 1/750। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यूज़ आप रिमेम्बर कर लेना, याद कर लेना। यहाँ पर पूछा गया है माइल्ड स्टील की वैल्यू, तो माइल्ड स्टील की कितनी होती है हमारी 1/7500। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इन अ फिक्स्ड बीम फर्मली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स विद अ सेंट्रल लोड इन द मिडिल द बेंडिंग मूवमेंट विल बी 0 एट। तो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे 0 होगा वो पूछा गया है, कितने प्लेस है? एक प्लेस पे 0 होगा, 2 जगह 0 होगा, या 3 जगह, या 4 जगह, ठीक है वो पूछा गया है। तो ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से, वो वाली पीपीटी में लगा दी है यहाँ पे। तो फिक्स्ड बीम विद सेंट्रल लोड कैसा होता है, ये होता है इस तरीके से, इसको अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा डायग्राम बनता है और ये वाला बनता है एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा जो फाइनल डायग्राम बनता है वो हमारा ये बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर हमारा साइन चेंज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पर भी अपना साइन चेंज कर रहा है। तो जहाँ पर साइन चेंज करता है वहाँ पर क्या कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कर रहा था, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, x इक्वल टू निकल के आता है ये L/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है L/4 निकल के आता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह हमारा क्या है बेंडिंग मोमेंट 0 है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितने जगह 0 है, 2 जगह है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफॉर्मेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बर्क ऑफ डिफॉर्मेशन इज अ मिनिमम। तो बर्क ऑफ डिफॉर्मेशन जहाँ पे मिनिमम होता है स्ट्रक्चर्स में, वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, कौन सी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है वो पूछा गया है। तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम अपन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क देखेंगे, मैक्सवेल थ्योरम ये भी अपन पहले देख चुके हैं फ्रेंड्स अच्छे से, एक बार फिर से देखते हैं।
तो कैस्टिलियानो थ्योरम क्या होती है, ये फर्स्ट थ्योरम होती है हमारी, फर्स्ट थ्योरम इसकी देखें तो क्या होता है ये, फॉर सच स्ट्रक्चर्स द कैस्टिलियानो फर्स्ट थ्योरम मे बी स्टेटेड एज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर फोर्स, किसी पर्टिकुलर फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर क्या स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव करें तो वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, फोर्स गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे अपन ने फोर्स अप्लाई किया है उस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे ये होता है हमारा डी डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू लोड, लोड क्या है हमारा, डब्ल्यू है, फोर्स है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैस्टिलियानो थ्योरम होती है। ऐसी मैक्सवेल रिसिप्रोकल थ्योरम क्या होती है, मैक्सवेल थ्योरम क्या कहती है, मैक्सवेल रिसिप्रोकल थ्योरम डील्स विद द डिफ्लेक्शन, ये किसके साथ डील करती है, डिफ्लेक्शन के साथ डील करती है, ड्यू टू द लोड अप्लाइड ऑन द लीनियरली इलास्टिक बॉडी, अगर कोई लीनियरली इलास्टिक बॉडी है उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा उसके साथ हमारी मैक्सवेल थ्योरम डील करती है। ठीक है, तो ये किसी सर्टेन पॉइंट्स पर अप्लाई किया जाता है, उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो सर्टेन पॉइंट्स पर हमारा रिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द वर्क डन बाय ए सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट्स, एक्टिंग थ्रू जहाँ पे वर्क डन किया जा रहा है किसी फोर्स के द्वारा, उस पॉइंट पर क्या है, उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेट ऑफ फोर्सेज इज सेम, क्या होगा, सेम होगा, सेम डन बाय द सेकेंड सेट ऑफ फोर्स वेन एक्टिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेस के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया गया था वो सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेस के बराबर ही होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने कंडीशन ली है ये है, तो इसमें यहाँ पे लोड लगाया गया है, इस लोड के कारण यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और यहाँ पे अगर अपन ने लोड लगा दिया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखे तो यहाँ पे अपन ने लोड लगाया और यहाँ पे लोड लगाया, पहले लोड यहाँ पे लगा था, पहले केस में यहाँ पे लोड लगा था फिर यहाँ पे लगा था। ठीक है, तो दोनों में जो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन था और इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्सवेल रिसिप्रोकल थ्योरम होती है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसिप्रोकल थ्योरम है, यहाँ पे मिनिमम की कोई बात नहीं हो रही, इसमें कैस्टिलियानो थ्योरम में भी कोई मिनिमम की बात नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, ये क्या होता है, व्हेन स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज ट्रस कंटेंस मेंबर्स सफिशियंट टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन ऑफ इट्स पैनल, तो ये किस में यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्स लाइक जैसे ब्रिज हो गए, ट्रस हो गए, डिस्टोर्शन को पेंट करने के लिए पर्याप्त मेंबर्स लगे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो स्ट्रेसेज होती हैं, द स्ट्रेसेस इन दीज मेंबर ड्यू टू गिवन लोड कैन बी रेडली कंप्यूटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिजिड स्टैटिक, रिजिड स्टैटिक्स की जो कंडीशंस होती हैं उनके द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इन स्ट्रेसेस को इन मेंबर्स में। अगर ये जो स्ट्रेसेस हैं इसमें क्या होता है, अगर स्ट्रेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, स्ट्रेसेस की जो अननोन वैल्यू हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं कंडीशंस के, जो स्टैटिक कंडीशंस होती हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे अपन बात करें तो जो अब अगर बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, अगर अननोन ज़्यादा हैं, अननोन ज़्यादा हैं और बाउंड्री कंडीशंस हमारी कम हैं, मीन्स इक्वेशंस कम हैं, तो इक्वेशन हमारी कम है तो उन अननोन्स को अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो सिंस द नंबर ऑफ अननोन्स अननोन स्ट्रेसेज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टैटिकल कंडीशन, इन दिस केस द स्ट्रक्चर इज सेट टू बी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क मस्ट बी अप्लाइड, तो इस केस में जब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट की कंडीशन होती है तभी हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क होता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ये किया जाता है हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट सेक्शंस में, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, दिस प्रिंसिपल एजर्ट दैट द स्ट्रेसेज अंडर कंसिडरेशन हैव सच वैल्यूज दैट द पोटेंशियल स्ट्रेस एनर्जी या स्टोर्ड इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर शैल बी ए मिनिमम,
तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है इन सभी मेंबर्स में, वो स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी का यूज करते हैं, मिनिमम। तो लीस्ट वर्क में हम अपन किसका यूज करते हैं, मिनिमम एनर्जी का। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वर्क डिफॉर्मेशन। वर्क डिफॉर्मेशन मतलब एनर्जी स्टोर मिनिमम होगी, मतलब स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो क्या है हमारी, मिनिमम है। तो ये क्या कहलाता होगा हमारा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 405। इसमें क्या पूछ रहा है, इन द एबव क्वेश्चन इक्वेशन, इन द एबव क्वेश्चन 403, 403 क्वेश्चन में द लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो फ्रॉम इधर एंड इज एट। तो ये अपन ने देखा कितना आ रहा था, L/4, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कितनी वैल्यू है दोनों एंड से, L/4 है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट वन शुड नो। अगर हमें डिटरमाइन करना है कि कॉलम हमारा क्या है, लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लेंडरनेस रेशियो से हमें क्या पता चलता है, किस प्रकार का कॉलम है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल ई अपॉन के। एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील कॉलम की अपन बात कर रहे हैं, तो स्टील कॉलम में यहाँ पे ये स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो को एस से डिनोट करते हैं। तो एस हमारा क्या है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो ये शॉर्ट कॉलम कहलाते हैं। अगर ये 30 से 100 के बीच में है तो ये क्या कहलाता है, मीडियम कॉलम कहलाता है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 100 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्ग कॉलम। तो इसलिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, शॉर्ट कॉलम पे, किस पे, स्लेंडरनेस रेशियो पे। अगर स्लेंडरनेस रेशियो हमें पता है तो हम कॉलम के बारे में बता सकते हैं कि ये शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 407। इसमें पूछा जा रहा है एज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इंक्रीजेज इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर स्लेंडरनेस रेशियो को अपन इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखते हैं, बकलिंग स्ट्रेस हमारी क्या होती है, ये पी ई अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई। पी ई की वैल्यू कितनी होती है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल ई स्क्वायर इंटू में ए हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा। और के की अगर अंडर रूट में बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए पाई स्क्वायर ई इंटू में के स्क्वायर अपॉन में एल ई स्क्वायर, के को नीचे ले आएंगे, ये एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर हो जाएगा। एल ई अपॉन के क्या होता है हमारा, स्लेंडरनेस रेशियो होता है। तो पाई स्क्वायर ई अपॉन में एस स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा ई की वैल्यू हो गई। फॉर ए गिवन ए और ई, अगर एरिया सेम है और ई की वैल्यू, मटेरियल भी सेम है हमारा, तो यहाँ पर जो लोड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली 1/s² के। ठीक है, जैसे ही अपन स्लेंडरनेस रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो पीई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और बकलिंग टेंडेंसी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, बकलिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, और अगर लोड स्लेंडरनेस रेशियो को अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब लोड हमारा कम हो रहा है, लोड हमारा कम हो रहा है तो लोड स्ट्रेस भी कम होगी, स्ट्रेस कम होगी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 408। इसमें क्या पूछ रहा है, यूलर्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द बकलिंग लोड फॉर। यूलर फार्मूला हमारा क्या रहता है, ये रहता है पी ई इक्वल टू रहता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल ई स्क्वायर। यहाँ पे एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। तो लॉन्ग कॉलम हमारा क्या होते हैं, लॉन्ग कॉलम्स होते हैं फेल्स ड्यू टू बकलिंग, बकलिंग के कारण फेल होते हैं, और ये हमारा जो लोड होता है वो बकलिंग लोड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे लॉन्ग कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लोड लगता है, तो इसके कारण ये क्या होता है, ऐसे बकलिंग होती है। तो ये जो लोड लग रहा है वो हमारा क्या निकल के आता है, बकलिंग लोड निकल के आता है। तो जो यूलर लोड होता है वो हमारा क्या होता है, बकलिंग लोड होता है। लॉन्ग कॉलम हमारे किसके कारण फेल होते हैं, बकलिंग के कारण। इसलिए लॉन्ग कॉलम्स के लिए अपन किसका यूज करते हैं, यूलर लोड के लिए। यूलर लोड का कहाँ यूज करते हैं, लॉन्ग कॉलम्स में। शॉर्ट कॉलम्स कहाँ यूज होते हैं, फेल्स ड्यू टू क्रशिंग के कारण फेल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर
ए लॉन्ग कॉलम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 409। इसमें क्या पूछ रहा है, द लोड एट विच द कॉलम फर्स्ट बकल्स इज नॉन एज। तो बकलिंग लोड हमारा, ये बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल लोड, ये तीनों हमारे क्या रहते हैं, एक ही रहते हैं, ठीक है, बस रैंकाइन फॉर्मूला अलग रहता है। और यूलर लोड के लिए अपन बात करें तो बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल लोड सेम रहता है, तीनों एक ही रहते हैं। तो यहाँ पे तीनों के लिए अपन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, कॉलम के लिए ऑप्शन नंबर डी। तो बकल होता है उसमें जो लोड होता है, फर्स्ट बकल से इज नॉन एज क्या कहलाता है, बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड, तीनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 410। इसमें क्या पूछा है, ए लॉन्ग कॉलम फेल्स वाई, ये अपन ने देखा किसके कारण फेल होता है, ये बकलिंग के कारण, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट, द रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द बकलिंग लोड फोर, बकलिंग लोड फोर। तो ये किस, रैंकाइन फार्मूला हमारा क्या होता है, ये अभी अपन देख चुके हैं। तो इट इज़ एन एम्पेरिकल फार्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट लोड बोथ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, दोनों के लिए यूज किया जाता है। रैंकाइन फार्मूला इज ऑल्सो नॉन एज रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला, इट गिव्स द अल्टीमेट लोड, ये किसको देता है, ये इससे हमें अल्टीमेट लोड मिलता है, दैट कॉलम्स कैन बियर बिफोर फेलोर, फेलोर से पहले जिसको वियर करते हैं। इट इफ कॉलम इज शॉर्ट, अगर कॉलम क्या है, शॉर्ट है, तो कैलकुलेटेड लोड विल बी नॉन एज क्रशिंग लोड एंड द लोड विल बी बकलिंग और क्रिपलिंग लोड इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम के केस में ये क्या कहलाएगा, बकलिंग और क्रिपलिंग लोड, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए होता है, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इंटरमीडिएट कॉलम्स, बट विद सर्टेन अमेंडमेंट्स इट कैन बी यूज फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग कॉलम्स। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इसेंट्रिकली लोडेड स्टड्स फॉलोइंग सेक्शन इज प्रिफर्ड। तो इसेंट्रिकली लोडेड स्टड्स के लिए हमारे जो होते हैं, इसेंट्रिकली लोडेड स्टड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, कंपोजिट सेक्शंस में यूज किए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रख लेना फ्रेंड्स, ठीक है, ये कंपोजिट सेक्शन में अपन इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट्स का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम इज नॉन एज। तो ये अपन ने देखा, लेंथ ऑफ कॉलम एल ई अपॉन में के, तो ये क्या होता है हमारा, स्लेंडरनेस रेशियो, एस इक्वल टू होता है एल ई अपॉन के। तो ये अपन देख चुके हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 414। इसमें पूछा है, द कॉलम इज डिफाइंड एज शॉर्ट कॉलम इफ। तो शॉर्ट कॉलम क्या होते हैं, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं, व्हेन व्हेन द लेंथ ऑफ कॉलम इज मोर एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम्स। और शॉर्ट कॉलम क्या होता है, व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉलम इज लेस एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कॉलम। और लॉन्ग कॉलम में, शॉर्ट कॉलम में जो रेशियो रहता है एल ई, ये एल ई है, एल ई अपॉन डी, जो इफेक्टिव लेंथ और जो डायमेंशंस हैं, एल ई क्या है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, और डी क्या है लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, और के मिनिमम क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एल ई अपॉन डी का जो रेशियो है ये होता है लेस देन 15, और यहाँ पे क्या होता है 15 से ज़्यादा होता है। लॉन्ग कॉलम में एल ई अपॉन डी का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 15 होता है, और इसमें जो एल ई अपॉन के मिनिमम, के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, एल ई अपॉन के का जो रेशियो रहता है वो क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 रहता है, और ये क्या होता है शॉर्ट कॉलम लेस देन 50, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है शॉर्ट कॉलम के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स लेंथ इज लेस देन 10 मीटर, ये भी हो सकता है। द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 15, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस देन 50, ये भी हमारा क्या है करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी एबव। तो बी और सी क्या है इसके करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 415। अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला द बकलिंग लोड पी फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ एल
विद बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों एंड क्या है हिंज्ड हैं, एंड हैविंग आई क्या है लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है, ऑफ द सेक्शन ऑफ कॉलम ई मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, यूलर फार्मूला निकालना है। तो देख लेते हैं कंडीशंस, ये बकलिंग लोड और इफेक्टिव लेंथ दोनों दी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन दी है, ये दोनों एंड क्या है हिंज्ड हैं, ठीक है, दोनों एंड हिंज्ड हैं। इसके लिए बकलिंग लोड क्या है हमारा, ये पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल ई स्क्वायर है। और इसमें क्या है, दोनों एंड क्या है फिक्स्ड हैं। तो फिक्स्ड के लिए क्या है, एल की जो इफेक्टिव लेंथ रहती है वो कितनी रहती है हमारी, 0.5 L रहती है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारा क्या हो जाता है, पाई 4 pi² ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड है एक हिंज्ड है, तो इसके लिए क्या होता है 2.045 pi² ई आई, यहाँ पे जो वैल्यू रहती है 0.69 या 0.7 L भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एक फिक्स्ड है एक फ्री है, इसके लिए पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में 4 L², तो ये ट्वाइस ऑफ लेंथ के बराबर रहता है इफेक्टिव लेंथ, और यहाँ पर क्या है एल के बराबर रहता है। ये क्या है, एक फिक्स्ड है और एक रोलर है। तो ये चार पांच कंडीशन है, बाकी ये चार कंडीशंस यूज होती हैं, ये वाली एक अलग कंडीशन है। तो ये वाले याद रखना है आपको चार कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।